welcome back to my YouTube channel. I'm Amrita, and if you are interested to doing makeup, skincare, watching hauls and reviews, so please take a moment and subscribe to my channel. Hit the bell icon ताकि मेरी videos की notifications आपको मिलते रहे. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो. उसका link मैं description box में डाल दूंगी, name mention कर दूंगी, follow जरूर कर लेना, ठीक है guys? Recently अभी मैंने एक makeup का video shoot किया है, जिसमें मैंने आप कुछ best makeup के product आपको suggest किए हैं. आप वो वीडियो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल सके एंड वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं फेस वॉश के बारे में. सो आई है तो मैंने बहुत सारे फेस वॉश ट्राई कर रखे हैं. आज मैं आपके साथ जिस फेस वॉश के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मामा अर्थ का विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड. सो गाइस, ये फेस वॉश क्रीमी टाइप का है एंड इसको मैंने क्यों परचेज किया है, इसको यूज करने के बाद बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है. आई डोंट नो किसी को मिला है कि नहीं मिला है, बट मुझे मिला है. सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. एंड गाइज, इसे क्लेम करता है फॉर ग्लास स्किन. सो ग्लास स्किन की तो बात नहीं करते हैं क्योंकि वो पॉसिबल है, पता नहीं गाइज पॉसिबल है कि नहीं है. सो इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगी. अभी मैं छोटा मोटा आपको बता देती हूँ. सो ये मामा अर्थ का राइस वाटर एंड नियासिनामाइड फेस वॉश है. सो यूज करने के बाद ना स्किन बहुत ही ज्यादा ना फ्रेश सी लगती है एंड ना ग्लो प्रोवाइड होता है, ब्राइट लगती है. या गाइज, ये ऐसा करता है समर्स में स्किन कितनी ज्यादा डल हो जाती है. सो उस केसेस में ये फेस वॉश बहुत ज्यादा हेल्प करता है. ऑल्सो गाइज, ये डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप, 100 ml इसकी क्वांटिटी है एंड आपको 240 या 250 के अराउंड में ये पड़ जाएगा. यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है, बट यू नो मामा अर्थ पे डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो. सो या ना, सेकेंड है हमारा मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइजर के लिए ना मैं अभी रिसेंटली ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. सो ये है प्लम का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, फ्रेग्रेंस फ्री है. सो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये फ्रेग्रेंस फ्री है. जैसे कि मेरी ऑयली एंड एक्ने स्किन है, सो यू नो क्रीम टाइप का मॉइस्चराइजर ना नहीं सूट करता है, वो चिपचिपा सा हो जाता है. बट ना ये बहुत सही मॉइस्चराइजर है, ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, अच्छे से आपके स्किन पे ऑब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी चिपचिपा सा नहीं है. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है सो डेफिनेटली आप इस प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर है तो बहुत बेस्ट है. अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो डेफिनेटली आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई आउट कर सकते हो. और अगर आपकी ड्राई स्किन है सो आप ना प्लम का ग्रीन टी मैट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. ये एक्ने को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है. सो यू नो कुछ भी ज्यादा हैवी सा जब आपके फेस पे एक्ने होता है तो यूज करने का मन करता नहीं है, और ना ज्यादा टाइप की चीजें यूज करना भी नहीं चाहिए. सो उस केसेस में ना आप ये प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो. आई जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर, डेफिनेटली आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो. अब मेकअप करने के बाद ना मेकअप उतारने की बारी आती है, ठीक है? तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो डेफिनेटली आप ये गार्नियर का माइसलर क्लींजिंग वाटर यूज कर सकते हो. ये आपके मेकअप को अच्छे से रिमूव कर देता है. मेरे शॉर्ट्स में या फिर मेरे काफी वीडियोज में मैंने इसी को यूज कर रखा है. ये अच्छे से आपके स्किन पे जितना भी मेकअप होता है ना उसको ना इसे खींच लेता है, अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है. एंड देन इसको यूज करने के बाद आप अपना डेली जो फेस वॉश यूज करते हो उसको यूज करो एंड यू गुड टू गो गाइज. सो डेफिनेटली गाइज आप इसको यूज कर सकते हो, ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है, ठीक है? सो अब बात करते हैं सनस्क्रीन की. उसे कैसे भूल सकते हैं, कैसे? इतनी गर्मी है, इतना धूप है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है एक्वालॉजिका का ग्लो ड्यूई सनस्क्रीन पपाया एंड विटामिन सी, ब्राइटन एंड हाइड्रेट, SPF 50, PA++++, UV UVB 50 ग्राम. ठीक है, सारी डिटेल जो भी इसमें लिखी हुई थी वो मैंने पढ़ दी, आप बता दी. सो ये एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन है, SPF 50 है. बाहर जा रहे हो ना तो सनस्क्रीन यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. बाहर क्या, इवन अगर आप घर पे भी हो ना तो SPF 30 यूज कर सकते हो. अदरवाइज बाहर जा रहे हो तो SPF 50 तो मस्ट है यूज करना. नहीं यूज करोगे ना तो जो दाग है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा
एंड पिगमेंटेशन हो जाएगा। जितना भी आप ट्रीट कर लो किसी भी प्रोडक्ट से, सनस्क्रीन नहीं यूज करोगे तो सब कुछ स्वाह है, तो सनस्क्रीन जरूर यूज कर लेना। एंड बात करते हैं एक्वालॉजिका का, सो इसमें है पपाया एंड विटामिन सी। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस सनस्क्रीन। आई थॉट, मुझे ये लगा था कि मेरी ऑयली स्किन है तो यू नो चिपचिप करेगा, ग्रीसी करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गाइज, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, ग्रीसी नहीं है, ऑयली स्किन वाले हो ना, सो इसे तो भी आप इसे यूज कर सकती हो। पाया एंड विटामिन सी है जो आपके स्किन को ना ब्राइट बनाने में एंड हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। सो आई जस्ट लव दिस, जब से मैंने इसे परचेज किया है मैं इसे ही यूज कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। देख रहे हो गाइज व्हाइट कलर का, एंड बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है ये, एंड इसको अच्छे से आप देख सकते हो शाइन। ओ माय गॉड, आप देख सकते हो शाइन इसका। आपको थ्री फिंगर का यूज करके अपने पूरे स्किन पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एंड यू गुड टू गो गाइज। एंड सो ऑयली स्किन वाले डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं, एंड जो कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन वाले हैं वो तो परचेज कर ही लेना, ठीक है। सो क्योंकि ना ऑयली स्किन वाले को थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहीं कोई भी प्रोडक्ट उनके आपने परचेज कर लिया एंड देन वो किसी काम में ही नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा चिपचिप हो रहा है, ग्रीसी सा हो रहा है, ऑयल आ रहा है, सो ना फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, पैसे वेस्ट जाते हैं। सो आपके पैसे को बचाना है एंड एक अच्छा वाला प्रोडक्ट खरीदना है। सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, सो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो लास्ट प्रोडक्ट है हमारा लिप बाम, इसे कैसे भूल सकते हैं, ना जाने मैं इसको कब से यूज कर रही हूँ एंड अभी तक यूज कर ही रही हूँ। सो ये भी है बायोटिक का बायो फ्रूटी वाइटनिंग लिप बाम है ये, एंड इसे कंटिन्यू यूजेस से ना मुझे एक फर्क डेफिनेटली नजर आया है अपने लिप्स पे। लॉन्ग टाइम तक इसको यूज करने के बाद मुझे अपने लिप्स पर फर्क नजर आया है कि इसलिए मेरे लिप्स को थोड़ा सा लाइटन अप कर रहा है। एंड गाइस बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, हल्का हल्का इसमें टिंट है जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो आई जस्ट लव दिस लिप बाम, तो डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड सबकी प्राइस मेंशन कर दूंगी। इसको परचेज करने के बाद आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं, वही प्रोडक्ट सजेस्ट किए मैंने जो आपको अच्छा लग सकता है। कोई प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना, अगर आप स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो पैच टेस्ट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो गाइज वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऑल्सो गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगी, एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।